मीडिया पर अपने चुटीले अंदाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले यूट्यूबर कैरी मिनाते उर्फ अजय नागर टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन का हिस्सा बनने वाले हैं। इस खबर से बिग बॉस के फैंस में तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैरी मिनाती के स्वभाव से वाकिफ लोग समझते हैं कि उनके जुड़ने से ये सीजन और भी उथल पुथल भरा हो सकता है। लेकिन कैरी मिनाती के फैंस इस खबर से ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि कैरी मिनाती खुद हमेशा बिग बॉस को रोस्ट करते हैं, तो खुद वे इस शो का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। सूत्रों की मैंने तो कैरी मिनाती इस समय मुंबई में है और एक होटल में उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है। बिग बॉस के घर में प्रवेश लेने वाले हर प्रतियोगी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उसके बाद इनका कोरोना वायरस टेस्ट होने के बाद ही घर में दाखिल किया जाएगा। हाल ही में रिलीज हुए शो के प्रमो में शो के होस्ट सलमान खान ने बता दिया है कि शो की शुरुआत 3 अक्टूबर से टीवी पर होने वाली है। शो का सेट मुंबई के फिल्म सिटी में लगा हुआ है, जिस पर 1 अक्टूबर से सलमान खान इसके प्रीमियर की शूटिंग करेंगे। कैरी मिनाती को सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रही चीज़ों पर अपनी अनोखी प्रतिक्रिया देने के लिए जाना जाता है। इंटरनेट की दुनिया में उन्हें रोस्टिंग भी कहते हैं। हर साल कैरी मिनाती बिग बॉस को रोस्ट करते आए हैं और उसकी खामियां गिनाते रहे हैं। इस शो में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को बुरा भला कहते रहते हैं। बिग बॉस के समर्थक इस खबर से बहुत खुश हैं कि खुद कैरी मिनाती भी इस सीज़न का हिस्सा बनने वाले हैं। उनका मानना है कि कैरी मिनाती के आने से नए सीजन में मनोरंजन का डोज दोगुना हो जाएगा। हालांकि कैरी मिनाती के फैंस मानते हैं कि कैरी जिन चीज़ों की बुराई करते हैं उन्हें खुद वे चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे उनके फैंस बेहद नाराज हो गए हैं। इसके उलट कैरी के ही कुछ प्रशंसक इस बात से भी खुश हैं कि कैरी अगर इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वो खुद अपनी प्रतिक्रियाओं पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हम भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार बिग बॉस में कौन कौन से कंटेस्टेंट्स आएंगे। तब तक के लिए SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।